यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में शुक्रवार को पालक मंत्री संजय राठौड़ की प्रमुख उपस्थिति में स्थानीय राज राजेश्वर मंगल कार्यालय में कौतुक सोहरा यानी विद्यार्थी प्रशंसा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर और तहसील के 10वीं-12वीं कक्षा में 75% से ज्यादा नीट परीक्षा में 500 से अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का सत्कार किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मेधावी छात्रों को फेटे बांधकर ढोल ताशों के साथ उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती पूजन और इसके पश्चात इतनी शक्ति हमें दे न दाता इस शक्ति गीत से किया गया। मालूम हो कि अन्न और औषधि प्रशासन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ बीते 14 सालों से अपने गांव और शहर का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी उनकी ही संकल्पना से भव्य दिव्य कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर मेधावी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शहर के प्रतिष्ठित मान्यवरों ने शोभा बढ़ाई। इस दौरान पालक मंत्री संजय राठौड़ ने उपस्थितों के समक्ष अपने विचार साझा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की उन्नति और उनके विकास के लिए उनके अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर अपने विचार और अपनी पसंद का लक्ष्य या करियर चयन करने का निर्णय ना थोपे, उन्हें अपना करियर अपना लक्ष्य खुद चुनने की आजादी दे। ऐसा करने से विद्यार्थी अपने पसंद से चुने गए कोर्स करियर में मेहनत कर कमाल कर दिखाते हैं, ऐसा यकीन भी उन्होंने उपस्थित अभिभावकों को दिलाया है। असल कृपा करून घेऊ नका। ज्या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थी बांधवांना इंटरेस्ट आहे, रस आहे, त्यांना त्या क्षेत्रामध्ये प्रगती करायची आहे, त्या क्षेत्राची निवड त्यांना करू द्या। आणि मी तुम्हाला सर्वांना खात्री देतो की तुम्ही जर एवढं स्वातंत्र्य त्यांना दिलं की नक्कीच ते उंच भरारी घेतल्याशिवाय आणि आपलं परिवाराचं तर नाव आहे परंतु या तालुक्याचं सुद्धा नाव ते या ठिकाणी मोठं केल्याशिवाय राहणार नाही। कुल मिलाकर विद्यार्थी प्रशंसा सम्मेलन इस काबिले तारीफ कार्यक्रम में मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों को खचाखच भीड़ से ज्यादा कामयाबी विद्यार्थियों के हंसते मुस्कुराते चेहरों पर कुछ कर गुजरने का उत्साह और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।